हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। ब्लॉग अब्रॉड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज है दिन 28 जुलाई और दिन है बुधवार। और आज शाम से मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। अभी यहाँ समय हो चुका है शाम के 6:30 और मैं अपना डिनर बनाने लगी थी। डिनर में मैं बना रही हूँ ये परवल की सब्जी, जो कि मुझे बेहद नापसंद हुआ करती थी बचपन में। आई थिंक सभी को परवल, टिंडे, ये सब किसी को भी नहीं अच्छे लगते। तो पर यहाँ रहते रहते, क्योंकि सब्जियों का ऑप्शन इस साल थोड़ा मुझे कम मिल रहा है, तो ये चीज़ें भी ट्राई कर रही हूँ। तो ये मैं परवल जो है बंगाली स्टाइल में बना रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर की जाए। तो चलिए रेसिपी देखिए। नो अनियन नो गार्लिक रेसिपी है, तो ये हर कोई बना सकता है और खा सकता है। और सच मानिए, जिसको परवल ना भी पसंद हो उसे भी ये बहुत पसंद आने वाला है। तो बस हमें ऐसे परवल का बहुत पतला पतला छिलका निकाल लेना है। अगर मैं वो जो सब्जी जिससे छीलते हैं उससे छीलती ना, तो इसका बहुत मोटा छिलका निकलता, इसलिए मैं इसे चाकू से छील रही हूँ। और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कि चाकू से ही छीलें, ताकि वेस्टेज कम से कम हो। परवल हमने सारे छील लिए और छीलने के पहले इसे धो लिया था, तो बस परवल को ऐसे बीच से हाफ कर लेना है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। और आज के जो परवल है ना, इनके तो बीज भी इतने नरम है। इसके पहले जब मैंने ये बनाया था, तो तब परवल के ना बीज बहुत कड़क थे, जैसे इस परवल के हैं। पर ये आपने अभी नहीं निकालने हैं, वरना ये ठीक से सिकेगा नहीं। तो जब आप इसको खाने लगेंगे ना, तब ये खुद से निकल जाएंगे। बस ऐसे हाफ हाफ कर लेना है। फिर हमें चाहिए हल्दी और नमक, यह हम इस पे छिड़क देंगे। बस ऐसे, और फिर सबको आपस में अच्छे से रब कर देंगे, ताकि सब में हल्दी और नमक अच्छे से लग जाए। और इसको कम से कम 10 से 15 मिनट ऐसे ही, लाइक क्या बोलना चाहिए, मसाला लगा के रख देते हैं, फिर आगे की प्रोसेस देखेंगे। मेरी मम्मी है ना, उन्होंने लाइक मिठाइयाँ बनाने का कोर्स किया था, उनको कुकिंग का बहुत शौक है, तो वो ना परवल की मिठाई भी बनाते थे। अभी ये परवल ऐसे देख रही हूँ ना, तो मुझे वो परवल की मिठाई याद आ रही है। आप में से किसी ने अगर परवल की मिठाई खाई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस इसे अब 15-20 मिनट के लिए रख देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस। ये देखिए, परवल बहुत अच्छे से मसाला लग गया है, इसका पानी भी निकल गया है। होपफुली आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें पानी निकल गया है। तो बस इतना ही हमें इसे मसाला लगाना है। बस अब हम एक, आप चाहें तो नॉनस्टिक फ्राई पैन भी ले सकते हैं, पर मैं ये कढ़ाई ले रही हूँ। और इसमें सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में ही बनाइएगा, इस रेसिपी का टेस्ट सरसों के तेल से बहुत अच्छा आता है। ये जो मेरा तेल वाला है ना, इसका ढक्कन यहाँ पीछे यहाँ पर गिर गया, इस गैस का ढक्कन है ना इसके पीछे, तो अभी गैस कुकिंग रेंज पूरा मुझे हटाना पड़ेगा, फिर वो निकलेगा। तो बस ये तेल गर्म होता है, फिर हम ये जो जितने भी परवल है ना, इसको अपसाइड डाउन इसमें डाल देंगे। तो पहले तेल गर्म होने का वेट करते हैं। तो तेल हमारा लगभग गरम हो गया है, अब हम इसमें सारे परवल डाल देंगे। बहुत सावधानी से डालिएगा, क्योंकि परवल में पानी है तो तेल उचट सकता है।
मैं भी डर डर के डाल रही हूँ इसलिए परवल उल्टे सीधे डल रहे हैं। एनीवेज नो प्रॉब्लम, दुर्घटना से देर भली। अभी सारे परवल डल गए ना तो हम फ्लेम तेज कर देंगे और थोड़ी देर इसको ऐसे ही सिकने देंगे। जब तक परवल सिक रहे हैं तब तक मुझे आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी थी, वो ये है कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक किया कीजिए और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर किया कीजिए और मुझे सजेशन भी दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारी सब्जी के क्या हालचाल है। ये परवल एक साइड से तो सिक गए तो बस अब इसको टर्न कर देंगे। ये देखिए ऐसे अच्छे से सिकना चाहिए ताकि उसका मतलब थोड़ा एक च्यूई टेक्सचर आ जाएगा ना उसमें, तो वो बहुत टेस्टी लगता है। क्योंकि परवल में ऐसे सब्जी तो मैं नहीं खाती ना, मुझे अच्छी लगती है, पर हाँ ये तरीके से जब से मैंने ट्राई किया है मुझे अच्छा लगने लगा परवल। बस अब ये साइड भी सिक जाएगा, फिर हम इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल लेंगे और थोड़ा सा भाजा मसाला। देखिए हमने कितना कम तेल लिया था कढ़ाई में और इतने सारे परवल फ्राई होने के बावजूद इतना सारा तेल बना है, बचा है। दैट मीन्स ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी भी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये सारे परवल हमारे फ्राई हो गए तो बस अब इसमें हम भाजा मसाला डाल देंगे। आप चाहें तो नमक भी डाल सकते हैं, पहले टेस्ट कर लीजिएगा कि नमक कितना है परवल में, उस हिसाब से डालिएगा वरना ये खारा हो जाएगा। और भाजा मसाला क्या है, लाल मिर्च, ज़ीरा और खड़ा धनिया, इसको हमने पहले थोड़ा सेक लिया है और फिर उसको दरदरा कूट लिया है बस। और यकीन मानिए ये दिखने में उतना खूबसूरत नहीं लग रहा होगा बट टेस्ट में बहुत ही अच्छा है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जो मसाला है इसको भाजा मसाला इसलिए बोलते हैं क्योंकि बंगाली में जो सेकना होता है ना, हम जो सेकते हैं उसको ये लोग बोलते हैं भाजा, तो इसलिए इसको भाजा मसाला बोलते हैं। सब्जी तो बन गई है तो अब जल्दी से जल्दी रोटी बना लेते हैं क्योंकि हस्बैंड ऑफिस से आते हैं ना फिर उनको भूख लगी होती है, तो कुछ स्नैकिंग करने से अच्छा है कि खाना डायरेक्ट खाएँ तो बेहतर है, हेल्दी भी है और अच्छा भी है, ओवर ईटिंग नहीं होती है। तो बस फिर मैं रोटियां बना लेती हूँ और फिर उसके बाद हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। और मुझे ना मम्मी हमेशा बोलते हैं कि रोटी पहले तवे पे डालो, वो थोड़ा सिक जाए एक साइड, फिर उसके बाद उसको टर्न कर लो और फिर जब दूसरा साइड थोड़ा ज़्यादा सिक जाए इतना, फिर उसको गैस पर डाल दो, तो बहुत अच्छे से रोटियां सिक जाती है और वो रोटी फूलती ज़रूर है। तो मतलब हमारी मम्मी ऐसे ही बनाते थे तो हमें भी ऐसे ही आदत है। और फिर हर रोटी पर घी तो ज़रूरी है लगाना, तो वही कर रही हूँ। फिर पापड़ इज़ अ मस्ट, मैं हर खाने के साथ पापड़ मुझे बहुत पसंद है और मैं इंडिया वाले पापड़ हमारे मिस कर रही हूँ, तो इस बार जब इंडिया जाऊंगी तो अपने साथ पापड़ का स्टॉक लेकर आऊंगी। बस पापड़ पे भी घी डाल लिया है और ये है हमारा डिनर, दाल फ्राई, परवल की सब्जी, चपाती और पापड़। आइए आप लोग भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए। फिर डिनर के बाद क्या होता है, ऑब्वियसली बर्तन धो लो।
मेरी मम्मी ना कई बार मुझसे पूछते हैं कि तुझे बर्तन धोना बोरिंग नहीं लगता है क्या, इस टाइप का। क्योंकि इंडिया में तो हमारे घर मेड्स है ना, मेड होना एक मतलब बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वो लोग कितना काम कर देते हैं हमारा, इजी कर देते हैं। पर अब तो आदत हो गई है मुझे, और वैसे भी बर्तन धोना यहाँ पे ज़्यादा इजी। मम्मी इसलिए भी पूछते हैं ना क्योंकि मेरे हाथों में ना कुछ ऐसे चमड़ी निकलने लगती थी अगर मैं बर्तन धो लूँ ज़्यादा तो। क्योंकि जो साबुन इंडिया में अपन यूज़ करते हैं ना वो बार, उससे मुझे एलर्जी थी। पर यहाँ तो अपन लिक्विड सोप ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, मतलब हर कोई लिक्विड सोप ही यूज़ करता है, तो फिर उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और हो जाता है काम जल्दी। और वैसे भी जब पता है कि करना आपको ही है तो फिर आप जल्दी से जल्दी काम निपटा कर यही कोशिश करते हैं कि फिर रेस्ट किया जाए या टीवी देखा जाए। तो बस मैं वही कर रही हूँ। और मैं तो जब से यहाँ आई हूँ मैंने कभी बार नहीं यूज़ किया। यहाँ पे भी कई लोग वो बार यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए, मैंने यहाँ कभी भी बार नहीं यूज़ किया, लिक्विड सोप से ही बर्तन धोती हूँ। आई थिंक हर इंडियन हाउस होल्ड में नाइट रूटीन यही रहता होगा कि पहले खाना बना लो, खा लो, फिर बर्तन साफ कर लो, किचन साफ कर लो, और फिर किचन को टाटा बाय बाय बोलो सुबह तक के लिए। तो मेरा आज का काम भी फिनिश हो गया है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कुकिंग रेंज और मेरा प्लेटफॉर्म, ये बिल्कुल साफ हो गया है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कुछ वाइट वाइट सा, ये चम्मचों का अक्स पड़ रहा है ग्रेनाइट पर। और सिंक भी मेरा बिल्कुल साफ हो गया है, बर्तन भी मैंने सारे स्टैंड पर लगा दिए हैं। तो ये बात हुई है कि काम पूरा ख़त्म हो गया है। मैं पूछती हूँ अभी हस्बैंड से अगर वो रात में चाय, वैसे कभी कभार ही वो रात में चाय पीते हैं, अगर वो रात में चाय पियेंगे तो चाय बना दूंगी, फिर मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी आज की रेसिपी और मेरा नाइट रूटीन आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, मासलामा।